श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। रसिक वैष्णव भक्त जनों, श्री राधा रस सुधा निधि में वर्णन है, वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरत में हृदि केलि सिंधु। श्री राधिका प्रेम करुणा वात्सल्य रस सिंधु से परिपूर्ण है और यह ग्रंथ उन्हीं श्री राधा माधव के दिव्य प्रेम सिंधु की बिंदु का अनुभव करवा के कलयुग के तप्त दग्ध जीव को धन्य धन्य करने वाला है। वंदे हम श्री श्रीयुत पद कमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृंदा वनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा
हरे राम भजुनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी शिनिताई गौर हरि सरकार वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार श्रीमद राधा रमन चरण दास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज श्री सदगुरु देव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्रीमद राधा रसुधा निधि जी का पावन आश्रय ग्रहण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें आज श्री राधा रसुधा निधि रसमयी व्याख्या का 20वां दिवस है। कल 170 श्लोक तक की चर्चा को हम श्रवण कर चुके हैं। आज 171 श्लोक से आगे की यात्रा पर चलना है, तो आचार्य श्रीपाद 171 श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। विचित्र रति विक्रमम् दधत् नुक्रमादाकुलम् महामदन वेगतो निभ्रत मंजु कुंजोदरे अहो विनिमयन्नवम् किमपि नीलपीतं पटं मिथो मिलितमद्भुतं जयति पीतनीलं महा। अहो एकांत मनोहर कुंज के भीतर परस्पर मिलित अद्भुत पीत नील ज्योतिर्मय युगल श्री राधा माधव प्रबल कंदर्प के आवेग से व्याकुल होकर क्रमबद्ध रूप से विचित्र रति विक्रम को धारण करते हुए और अनिर्वचनीय नवीन नीले और पीले रंग के वस्त्र को परस्पर बदले हुए उत्कर्ष के साथ विराज रहे बलिहार है इस झांकी को। प्रिया प्रियतम अपने वस्त्रों को बदले हुए माने श्री जी ने तो पीले वस्त्र पहन लिए हैं और श्याम सुंदर ने नीले। अहो विनिमयन नवम किमपि नील पीतम पटम, वस्त्र परस्पर बदल गए हैं। भावना राज्य में उतरना होगा। इस 171 श्लोक में आचार्य श्रीपाद प्रिया प्रियतम की किस दिव्य लीला में डूबे हैं। बंधुओं, ये सुरतांत छवि का वर्णन है। जब भोर काल में प्रिया प्रियतम शुक सारिका के मंगल नाद से ललितादि सखियों के मुख से दिव्य भैरव राग में पदों को सुन करके उनींदे होते हैं, निद्रा को त्यागते हैं, यह उस समय की झांकी वर्णन है। क्योंकि उस समय प्रिया प्रियतम
अनेक बार ऐसा होता है कि शैया को त्याग कर विराजमान हुए तो प्रिया जी तो गलती से श्याम सुंदर का पीताम्बर ओढ़ लेती हैं और श्याम सुंदर पीताम्बर समझ करके प्रिया जी की चुनरी ओढ़ लेते हैं। ये वस्त्रों की जो बदला बदली है ये संकेत दे रही है कि ये सुरतांत छवि का वर्णन है, ये एकदम भोर मंगला की छवि का वर्णन है। अपने मन को लीला राज्य में ले जाना होगा, लीला रस में अपने मन को निमग्न करना होगा और जो अष्टायाम की भावना है उस भावना का प्रारंभ भी तो मंगला से होता है। हमारे आपके दिन का प्रारंभ भी प्रातः भोर से ही होता है और जो लीला चिंतन है, लीला चिंतन का जो क्रम है वह भी मंगला से भोर से होता है। और यह जो मंगला की सेवा है ये बड़ी अद्भुत है। चिंतन के धरातल पर उतरना होगा, गुरु प्रदत्त नाम का मंत्र का जप करते हुए षड गोस्वामी पाद के आनुगत्य में, गुरु मंजरी के आनुगत्य में इन लीलाओं का आस्वादन करना ही श्रीमन महाप्रभु जी का इस जगत के लिए अवदान है। वस्तुतः वह स्वयं तो राधा प्रेम का आस्वादन करने आए हैं पर उस राधा प्रेम प्राप्ति का उपाय मंजरी और किंकरी भाव है। तो श्रीमन महाप्रभु जी का जगत के लिए जो महा अवदान है वह यह मंजरी भाव है। भावना करिए, एकदम भोर का समय है। दिव्य निकुंज मंदिर, दिव्य यमुना पुलिन, कैसी वह निकुंज है, कैसे कैसे दिव्य पुष्प जहाँ प्रफुल्लित हो रहे हैं, कैसे कैसे पुष्पों की लताओं की दिव्य सुगंध परिव्याप्त हो रही है, कैसी वह दिव्य कुंज है जिस कुंज के बाहरी भाग में दिव्य रूप में पुष्प इधर उधर पड़े हैं। निकुंज मंदिर के द्वार पर जो दिव्य कदंब का वृक्ष है, तमाल का वृक्ष है, उसके ऊपर बैठे हुए शुक सारिका मधुर मधुर गान कर रहे हैं। कल इस भाव के श्लोक को हमने सुना था। शुक सारिका रात्रि में प्रिया प्रियतम की जो चर्चा हुई है, जो चर्चा होती है, उन वाक्यों को शुक सारिका याद कर लेते हैं और उन्हीं वाक्यों को गाते हुए बोलते हुए पूरे वृंदावन में उड़ते हैं। तो दिव्य तमाल वृक्ष पर जिस पर कनक लता लिपटी है उस पर शुक सारिका बैठ करके रात्रि कालीन मधुर वार्तालाप को गा रहे हैं। कहीं निकुंज मंदिर के निकट कोयल राधा 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 ऐसी पुकार कर रही है, कहीं कोई पपीहा पियू 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 ऐसी टेर लगा रहा है। जहां सब कुछ दिव्य है, अरे लता पता भी जड़ नहीं है। कल श्रवण कर रहे थे, श्यामा श्याम की प्राण प्यारी सखी गण ही, मंजरी किंकरी गण ही लता पता बन गई हैं, पुष्प बन गई हैं। वृंदावन के एक एक कण का आशय, वृंदावन के एक एक कण का उद्देश्य श्यामा श्याम का सुख है। उस दिव्य निकुंज को अपने हृदय में बनाना होगा, उसके लिए दिव्य चित्रों का आश्रय लिया जा सकता है। निकुंज लीला से संबंधित यहाँ पर भी जो सत्संग हो रहा है उस सत्संग के साथ साथ वैष्णव लोग लगे रहते हैं,
जो साथ में सेवा रहते हैं और वर्णन के अनुरूप, श्लोक के अनुरूप, पद के अनुरूप, भावना के अनुरूप चित्रों को भी बीच बीच में लगाते रहते हैं। तो ये चित्र भी कोई ऐसे ही नहीं है, ये इसीलिए है, इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, समय भी लगाना पड़ता है। पर ये किस लिए है? ताकि लीला चिंतन में सुविधा बने। हम अगर चित्र झांकी अपने हृदय में नहीं बना पा रहे हैं तो जो बीच बीच में चित्रों का दर्शन होता है, दिव्य निकुंज लीलाओं का, प्रिया प्रियतम का, सखी वृंद का, जिस लीला का वर्णन हो रहा है, तो उस लीला का चित्र खींचने में, उस लीला की भावना करने में हमको सहयोग हो। इसलिए दर्शन भी बहुत ऊंची भक्ति है। तो अपने हृदय में चित्र खींचना होगा उस लीला के अनुरूप, भावना राज्य में उतरना होगा। कैसा वह दिव्य निकुंज है, कैसी वहाँ की दिव्य लता पताएं हैं, कैसे वहाँ का दिव्य परिवेश है, कैसा वह दिव्य स्वरूप है, और उस निकुंज के भीतर भी वह निभृत निकुंज जिसके भीतर दिव्य शैया सजी है, दिव्य सेज विराजमान है, जो प्रिया प्रियतम की संकेत कुंज है, शयन कुंज है, जिसमें प्रिया प्रियतम गर्भैया देकर पौड़ रहे हैं, उस झांकी में अपने चित्त को डुबाना होगा। संसार का विहार विहार नहीं, विकार है, वह मन को मैला करने वाला है, वह नरक की ओर अग्रसर करने वाला है, और श्यामा श्याम का विहार तो नित्य विहार है। रूप गोस्वामी जी इस रस को उज्ज्वल रस कहते हैं। यह अत्यंत उज्ज्वल रस है, जो अंतःकरण को उज्ज्वल करने वाला और उज्ज्वल अंतःकरण में उज्ज्वल श्यामा श्याम के उज्ज्वल रस को आस्वादित करने वाला है। उस दिव्य शयन कुंज का स्मरण करें और स्वयं भी गुरु मंजरी के अनुगत्य में उस कुंज में जाएं। गुरु सखी हमारे आगे हैं और हम उनके पीछे हैं, और क्या होगी सेवा? अनेक वैष्णव इस बात को पूछते हैं कि अभी गुरुदेव ने स्वरूप प्रदान नहीं किया है या अपने स्वरूप के विषय में नहीं बताया है। कोई बात नहीं, ये तो निश्चय है कि गुरुदेव प्रिया जी की चरण दासी हैं, गुरुदेव राधा दासी हैं, राधा किंकरी हैं, और उन गुरुदेव भगवान का आश्रय हमने लिया है। तो येन केन प्रकारेण देर सवेर, जो गुरुदेव का भाव होता है वही शिष्य का भाव होता है। तो अंततः भले एक जन्म लगे कि चार जन्म लगे कि 10 जन्म लगे, अब यदि गुरुदेव भगवान का आश्रय ले लिया है तो अंततः हमको जाना तो वही है जहाँ हमारे गुरुदेव भगवान हैं, लीला राज्य में, इस देह के रहते हुए अथवा इस देह के बाद भी। तो भावना करनी होगी, ये मंगला की भावना है, गुरुदेव के पीछे पीछे मैं कुंज में प्रवेश कर रही हूँ राधा दासी भाव से। और कुंज में प्रवेश करके क्या कर रही हूँ? कुंज में प्रवेश करके मैं सोहिनी सेवा कर रही हूँ, मैं बुहारी लगा रही हूँ, बुहारी लगा रही हूँ, जैसे हमारे श्यामानंद प्रभु जी ने लगाई। बुहारी लगाते लगाते ही तो सेवा कुंज में प्रिया जी का चरण नूपुर प्राप्त हुआ था। वह बुहारी लगाने की सेवा, वह सोहिनी की सेवा, वास्तव में बंधुओं यह सोहिनी की सेवा बहुत उत्तम है। और वो सोहिनी, कोई प्रश्न कर सकता है कि वो धाम तो चिन्हमय है, नित्य धाम है,
वहाँ क्या कोई कूड़ा करकट है जो सखी मंजरी गण बुहारी लगाती हैं, या अनेक पद भी मार्जनी सेवा के ग्रंथ में आए हैं, आगे भी आएंगे, तो वहाँ तो कोई कूड़ा नहीं है। फिर मार्जनी का क्या काम है, बुहारी का क्या काम है? देखिए, कूड़ा तो हो नहीं सकता चिन्मय धाम में। हाँ, जो प्रसादी पुष्प हैं, पूर्व लीला के पुष्प हैं, वही बिखरे हैं, उन्हीं को समेटना है, एक आशय तो ये है। और दूसरा आशय हमको लगता है कि यह सोहिनी सेवा कुंज में, निधिवन में, या यमुना पुलिन में, या निकुंज में नहीं लग रही। जो साधक इस लीला की भावना करते हैं, जो साधक इस लीला के चिंतन का प्रयास करते हैं, यह सोहिनी उनके अंतःकरण पर लगती है, यह बुहारी उनके अंतःकरण पर लगती है। नित्य धाम में तो कोई ऐसी चीज नहीं जिसको बुहारी से समेटा जाए, पर हम साधकों के अंतःकरण में ऐसी बहुत सारी बुरी बुरी वस्तुएं हैं जो हमारे अंतःकरण को गंदा किए हुए हैं। कितने कितने साधन करके भी, कितना कितना प्रयास करके भी, ये अंतःकरण का मैल दूर नहीं होता। बंधुओं, गुरुजनों के आनुगत्य में, षड गोस्वामी पाद के चरण कमल आनुगत्य में, गुरु प्रदत्त नाम को जप करते हुए, यह जो मंगला की भावना में सोहिनी सेवा है, बुहारी लगाने की सेवा है, बलिहार बलिहार, यह बहुत उत्तम है। कोई कुछ दिन इसका अभ्यास करे तो उसको लगेगा, अंतःकरण में प्रभाव दिखाई देगा, पर करने से होगा। समय तो देना पड़ेगा, मन को तो मारना पड़ेगा, मन की उछल कूद तो कम करनी पड़ेगी। उसका साधन भी नाम है, लेकिन केवल नाम जप यंत्रवत न रह जाए, नाम के साथ में आस्वादन जुड़े, नाम के साथ में आंखों से अश्रु प्रवाह छूटे, ये बहुत आवश्यक है। इसके बिना बात पूरी नहीं होती। तो राधा दास्य भाव में विराजमान मंगला की सेवा में पहुंच करके बुहारी लगाए। और बंधुओं, सोहिनी सेवा करते 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 अभी निभृत निकुंज का द्वार नहीं खुला, अभी श्यामा श्याम की मंगला झांकी का प्रत्यक्ष नहीं हुआ, लेकिन सोहिनी सेवा होती रही। महल राधिका का बुहारा करेंगे, राधा श्री राधा पुकारा करेंगे, बलिहार। यदि ये भावना होती रही। बरसाने में एक साधु थे बंधुओं, आंखों से उनको देखा, मान मंदिर के निकट वह रहते थे, और उनका एक ही काम था, निरंतर बुहारी लगाते रहते थे। बस बरसाने के परिक्रमा मार्ग में, मान मंदिर के आसपास नीचे पर्वत पर बुहारी की सेवा करते रहते थे वो, और सदा राधा राधा गाते रहते थे, और ये महल राधिका का पुकारा करेंगे ये गाते रहते थे। बंधुओं, उनका शरीर पात जब हुआ, शरीर छूटा, जीवन के अंतिम दिन नहीं, अंतिम क्षण तक उन्होंने सेवा की, और आपको आश्चर्य होगा उनका शरीर कैसे छूटा, कि वो बुहारी ही लगा रहे थे। एकदम भोर में उनकी सेवा हो जाती थी, अब उस तरफ भोर में कोई इतना देखने वाला नहीं था, उनको कोई पीड़ा हुई, चक्कर आया, क्या हुआ ये तो नहीं पता, पर 15-20 मिनट पहले तक उनको बुहारी लगाते हुए देखा गया। और जब वो प्राण छोड़ चुके थे, तब वो किस अवस्था में थे, हाथ में उनके बुहारी थी, और मान मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर उनका सिर रखा हुआ था, नेत्र खुले हुए थे, मुख खुला हुआ था,
मान मंदिर की सीढ़ियों पर सिर रखा हुआ था, हाथ में बुहारी थी और वहीं राधा राधा कहकर उन्होंने शरीर का त्याग किया था। हम प्रकट में सेवा कुंज निधिवन में, श्री बरसाना में, श्री गिरिराज जी में, यमुना पुलिन पर भले बुहारी न लगा पाए, लेकिन भावना राज्य में ये कार्य हम जहां हैं वहां कर सकते हैं। इसके लिए कोई शारीरिक श्रम भी नहीं होगा। किसी का शरीर बूढ़ा है, कमजोर है, रोगी है, वह भी ये काम कर सकता है। भावना राज्य में तो उतरना होगा। तो जो बाहरी निभृत निकुंज के बाहरी जो स्थान है निकुंज का, वहाँ पर सोहिनी सेवा हो रही है और सोहिनी सेवा करते हुए शुकपिक का नाद सुन रहे हैं, कोयल के मुख से राधा नाम सुन रहे हैं, पपीहा के मुख से पीयू पीयू टेर सुन रहे हैं, किंकरी आवेश में आचार्य शिपाद, तभी तो थोड़ी देर बाद निभृत निकुंज का द्वार खुल गया। सब ललितादि अष्ट सखियां, समस्त किंकरी मंजरी गण अपनी अपनी सेवा लेकर के उपस्थित हो रही हैं और शिपाद भी किंकरी स्वरूप से अब प्रिया प्रियतम के दर्शन कर रहे हैं। तो जैसे दर्शन किया तो कैसा दर्शन था? ओहो अहो विनिमयन नवम किमपि नील पीतम पटम। सखीजन तो आश्चर्य में रह गई, अरे ये क्या हुआ? अब प्रिया प्रियतम को पता नहीं, हमने जल्दबाजी में एक दूसरे के वस्त्र पहन लिए हैं। माने श्याम सुंदर ने तो प्रिया जी की चुनरी को ऊपर पटका मानकर ओढ़ लिया है पीताम्बर मान के, और श्री जी ने श्याम सुंदर के पीताम्बर को नील चुनरी मानकर ओढ़ लिया है। अब प्रिया जी तो पीत वसनधारी हो गई हैं और श्याम सुंदर नील वसनधारी हो गए हैं। अरे प्रिया जी तो खुद ही पीत वर्णा है, वह श्याम सुंदर का पीताम्बर तो प्रिया जी के अंग के पीत वर्ण में मानो बिल्कुल मिल गया है। अंग पर वस्त्र है कि नहीं ये भी नहीं पता चल रहा। ऐसे ही प्रिया जी की नील चुनरी श्याम सुंदर के नील वर्ण में एकदम लीन हो गई है। पता नहीं पड़ रहा कि वस्त्र है भी कि नहीं है। आहा, और वह दोनों प्रिया प्रियतम अभी कीड़ा विलास से निवृत्त होकर के मंगला के समय में अपने मंगल मुख का दर्शन सखी किंकरी गण को करा रहे हैं, लेकिन इतने पर भी मिले ही रहे तो मानो कबहु मिले ना। ये जो उनका स्वभाव है, अभी रात्रि विलास विश्राम हुआ है लेकिन अभी भी दोनों के हृदय में एक दूसरे के भीतर समा जाने की उत्कट अभिलाषा है। बंधुओं, उस झांकी को निहारना होगा, जिस झांकी को मिथो मिलित मद्भुतम जयति पीत नीलम महा। उन अटपट वस्त्रों को धारण किए वह सांवर गोरी जोरी श्री निकुंज मंदिर में शोभायमान हो रही है। भोर की झांकी है, इस झांकी को हृदय में बसाइए। इस श्लोक के भाव को पद में पिरोने का प्रयास किया है, प्रेम पूर्वक गाइए। भोर में जागे जुगल की सोर, भोर में जागे जुगल की शोर, बिथुरे केश, दोनों के केश बिखरे हैं, बिथुरे केश नयन अलसाने
बिथुरे केश नयन अलसाने रति रस के ली विभोर रति रस के ली विभोर भोर में जागे जुगल किशोर क्रीड़ा चिन्ह अंग पर सोहत क्रीड़ा चिन्ह अंग पर सोहत उफनत जौवन जोर उफनत जौवन जोर भोर में जागे जुगल किशोर। और सबसे अद्भुत बात क्या है, मिले ही रहत मानो कबहु मिले ना, मिले ही रहत मानो कबहु मिले ना, चितवन ने नन कोर दो चितवत ने नन कोर भोर में जागे जुगल किशोर। राधा जू धार्यो मोहन पट, जो श्लोक की मुख्य भावना है, वस्त्र बदल गए दोनों के। राधा जू धार्यो मोहन पट, मोहन चूनरियो पीत वसन भई आज किशोरी, पीत वसन भई आज किशोरी, नील बसन चित चोर, नील बसन चित चोर भोर में जागे जुगल किशोर। हंसी मुस्काई रहे मदमाते, हंसी मुस्काई रहे मदमाते, जोरी सांवल गौर भोर में जागे जुगल किशोर। गौरदास सेवा की आसा, गौरदास सेवा की आशा, करहु कृपा की कोर, करहु कृपा
की कोर, भोर में जागे जुगल की सोर। बलिहार मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना, चितवत नयनन कोर। राधा जो धार्यो मोहन पट, मोहन चूनरी ओर। आज पीत बसन भई कुमर किशोरी, और नील बसन चित चोर। हंस मुस्काई रहे मदमाते जोरी सामल गोर, गौरदास सेवा की आशा करहु कृपा की कोर। भोर में जागे जुगल किशोर, इस भावना को हृदय में प्रकट करना होगा, उस भावना जगत में उतरना होगा। बंधुओं, जहां प्रिया प्रियतम की वह मंगला की छटा है, आज सत्संग ही लीला दर्शन से प्रारंभ हो रहा है। आचार्य पाद किंकिरी स्वरूप से दर्शन कर रहे हैं और सेवा सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो प्रिया प्रियतम मंगला हो गई, दर्शन हो गए, मंगला भोग पधरा दिए, मंगला आरती हो गई, और अब 172 श्लोक में कह रहे हैं, करे कमल मद्भुतम भ्रमयतोर मिथो सार्पित स्फुरत पुलक दौरलता युगल यो स्मरो नमत्तयो सहासर सपेशलम मदकरिंद्र भंगीशतैर गतिम रसिकयोर्द्वयोः स्मरत चारु वृंदावने स्मरत चारु वृंदावने। बलिहार लीला का प्रवाह आगे बढ़ रहा है। रमणीय श्री वृंदावन में जो हाथ में अद्भुत लीला कमल को घुमाते हुए चल रहे हैं, एक दूसरे के कंधों पर अर्पित दोनों की दोनों भुज लताओं पर रोमांच प्रकट हो रहा है। जो कंदर्प के आवेश में उन्मत्त हैं, हास्ययुक्त रसमय आनंद से मनोहर उन रसिक युगल की, मतवाले गजराज की शत शत भंगिमाओं सहित गति का स्मरण करो। गतिम रसिकयोर द्वयोह स्मरत चारु वृंदावने, उन रसिक युगल की गति का स्मरण करो। जो हाथ में कमल घुमाते हुए, जो एक दूसरे के कांधे पर अपनी भुजालताओं को पधराए हुए, प्रेम के मिलन के आवेग में उन्मत्त होते हुए, मंद मुस्कान से युक्त होते हुए, कुछ गुनगुनाते हुए श्री वृंदावन की पवित्र वीथियों में भ्रमण कर रहे हैं, हे मेरे मन, उन प्रिया प्रियतम की सहज गति का स्मरण करो, स्मरण करो। स्मरण राज्य में उतरना होगा, स्मरण करो। ये स्मरण ही तो प्राण है। अभी मंगला की भावना का स्मरण किया, प्रिया प्रियतम उनींदी अवस्था में विराजमान है, फिर वस्त्रों को भी सुव्यवस्थित कर दिया किंकरी ने, फिर दिव्य मंगल भोग पधरा दिए, फिर दिव्य मंगल आरती हो गई, और अब प्रिया प्रियतम मानो वन विहार के लिए निकले हैं। एक दूसरे के अंश पर अपनी भुजा को देकर के
मेरे मन उनको पुकारो और उनकी गति का स्मरण करो, एक एक लीला का, एक एक भंगिमा का, एक एक श्रृंगार का, एक एक चेष्टा का आचार्य स्मरण करने का आदेश दे रहे हैं। बलिहार स्वयं तो कर ही रहे हैं, आचार्य उन्हीं को तो कहते हैं, गुरुजन उन्हीं को तो कहते हैं, महापुरुष उन्हीं को तो कहते हैं जो आप तरे औरन को तारे, अकेला बैठ कर के खा ले वो तो पशु है, जो दस को बांट करके पावे उसी को तो मनुष्य कहते हैं। तो आचार्य उस रस को स्वयं पी रहे हैं और हमसे कह रहे हैं गति को स्मरण करो, तो स्मरण करिए। वो कैसी गति है? श्री राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, न भूलो मन पल छीन आधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे। ए मान अभी मान भुला के पुकारो रोके, गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे। रसिक रस रास अगाधे, रसिक रस रास अगाधे, डोलत हुई हैं गरबाही यादे, अधर धर वेणु बजाते, डोलत हुई हैं गरबाही यादे, वृंदावन रास रचाते, मधुर मुख बैन सुनाते, यमुन तट आते जाते, यमुन तट आते जाते, श्रीकर में कमल घुमाते, श्रीकर में कमल घुमाते, मिलोगे कब गोविंद राधे, मिलोगे कब गोविंद राधे, जमुन तट हंसी मोस काते, डोलत हुई हैं हंसी मोस काके,
परस पर प्रेम में छाके जमुना तट रास रचाके निकट राखो चेरी बना के निकट राखो चेरी बना के गौरदास अपना के करूंगी सेवा झूठन खाके महल में बुहारी लगा के महल पीक दान बना के निकट राखो गोविंद राधे गौर दास अपना के सेवा में राखो चेरी बना के जीवन धन गोविंद राधे प्राण धन गोविंद राधे बलिहार अपने मन को प्रिया प्रियतम के पीछे लगाना होगा जो जगत के पीछे पड़ा है वहां से हटा के प्रिया प्रियतम के पीछे लगाना होगा तभी तो प्रिया प्रियतम की मधुर चाल को देख पाएंगे तभी तो वो हाथ में कैसे कमल घुमा पा रहे हैं जान पाएंगे कैसे एक दूसरे के अंश पर भुजा रखी है उसको जान पाएंगे उस रस में अपने को निमग्न करना है और आचार्य यही कह रहे हैं कि गतिम रसिकयोर द्वयो स्मरत चारु वृंदावने बलिहार उस मधुर गति का श्री वृंदावन में जो प्रिया प्रियतम की दिव्य गजराजों की भंगिमाओं को परास्त करने वाली जो गति है उसका स्मरण करो ध्यान करो। अब आगे 173 श्लोक में आचार्य श्रीपाद कह रहे हैं खेलन मुगधाक्षी मीन इस्फुर दधरमणी विद्रुम श्रोणी भार द्वीपाया मोतरंग स्मर कलब कटाटोप वक्षोरुहाया गंभीरावर्त नाभेर बहुल हरि महा प्रेम पीयूष सिंधो श्री राधायाह पदाम्भोरुह परिचरणे योग्यतामेव गेशे। श्री प्रिया जी श्याम सुंदर के उच्चतम प्रेम रूप पीयूष की विशाल सागर स्वरूपा हैं। उनके चंचल और मनोहर नेत्र मीन द्वय के समान हैं, मछली के समान हैं। उनके चमकते हुए अधर ओष्ट विद्रुम प्रवाल मणियों की भांति हैं। नितंबों की विशालता मानो द्वीप का विस्तार है। उनके
उरोज युगल इस द्वीप निवासी कंदर्प रूप हस्ती शावक के दोनों कुंभ हैं और जिनकी गंभीर नाभि रस की आवर्त है, उन श्री राधा के चरण कमलों की परिचर्या सेवा करने की योग्यता को ही मैं ढूंढ रही हूं। प्रथम श्लोक में मंगला की भावना, प्रिया प्रियतम ने अटपट वस्त्र धारण किए उसका अनुभव दर्शन, उसके अगले श्लोक में मंगला के उपरांत प्रिया प्रियतम वन विहार कर रहे हैं गर्भैया देकर के सो भावना, और अब पुनः प्रिया प्रियतम रास में विलास में प्रवृत्त हो रहे हैं, और उस समय श्री प्रिया जी की श्री अंग की कैसी शोभा है। प्रिया जी श्याम सुंदर के उच्चतम प्रेम रूप पीयूष की विशाल सागर स्वरूपा हैं, माने प्रिया जी का स्वरूप कृष्ण प्रेममय है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं ना, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। श्री जी के रूप में साक्षात श्याम सुंदर के प्रेम का सागर लहला रहा है, और श्याम सुंदर के रूप में साक्षात श्री राधा जी का प्रेम सागर ही लहला रहा है, और उस रस सागर में मानो प्रिया जी के जो दोनों नेत्र हों वो मछली हों, प्रिया जी के अधर कमल प्रवाल मणि हों, प्रिया जी के नितंब भाग द्वीप हों, उरोज मंडल हस्ति शावक के दोनों कुंभ हों, अरे प्रिया जी की गहरी नाभि उस सागर में होने वाली आवर्त हो, आहा ऐसी स्वामिनी जो कि श्याम सुंदर के साथ दिव्य कीड़ारत होकर के विराजमान है। आचार्य शिपात कह रहे हैं कि उन प्रिया जी के चरण कमलों की सेवा करने की योग्यता को ही मैं ढूंढ रही हूं कि कैसे इस समय सेवा करूं। सेवा का अवकाश तो नहीं है, प्रिया तो अपने प्रियतम को पाके सब कुछ भूली हैं, और प्रियतम अपनी प्रिया को पाके सब कुछ भूले हैं, कोई तीसरा है भी उनको अनुसंधान नहीं है, तो अब वे तो कहेंगे नहीं किसी सेवा के लिए, मुख से बोलेंगे नहीं ऐसी अवस्था में है। तो कितना प्यारा शब्द है, श्री राधा या पदाम्भो रूह परिचरणे योग्यता मेव गेशे। मैं इस लीला काल में, इस अद्भुत मिलन लीला में प्रिया जी के चरण कमलों की परिचर्या सेवा की योग्यता को ढूंढ रही हूं, माने प्रिया जी के हृदय भाव में ऐसा तादात्म हो जाए कि अब वो कह नहीं पा रहे, और वो तो कभी भी नहीं कहते, मंजरी गण तो अपने अनुमान से सेवा करती हैं, पर उनके अनुमान सदैव सटीक होते हैं। अरे वास्तव में आचार्य तो किंकरी स्वरूप से सेवा कर रहे हैं, ढूंढ कौन रहा है, ढूंढ तो हम जैसे साधक रहे हैं, ढूंढ तो साधक रहा है कि प्रिया जी की सेवा की योग्यता प्राप्त हो, और योग्यता तब प्राप्त हो जब प्रिया जी की चित्तवृत्ति से चित्तवृत्ति का मिलान हो। अरे हमारी तो गुरुदेव से चित्तवृत्ति का मिलान नहीं होता तो प्रिया जी से क्या होगा। गुरु शरणागति है इसलिए, गुरुदेव की महिमा है इसलिए, गुरु आनुगत्य का इतना महत्व है इसलिए कि जैसा गुरुदेव सोचते हैं, जो गुरुदेव सोचते हैं, हमें गुरु अपनी सी कर लेना, अपना रूप भावना, अपनी रहनी गहनी देना, गुरुदेव की रहनी, गुरुदेव की भावना, गुरुदेव के विचार, गुरुदेव की सोच, गुरुदेव का लीला चिंतन हमको प्राप्त हो। पहले तो गुरुदेव की चित्तवृत्ति से अपनी चित्तवृत्ति को मिलाना पड़ता है, और जीवन तो गुरुदेव से ही विरोध करते बीत गया, या गुरुजनों में दोष देखते बीत गया, या गुरुदेव कुछ कर रहे हैं और हम कहीं अपनी अलग ढपली बजा रहे हैं। तो गुरुदेव के
हृदयगत भाव से ही मिलान नहीं हुआ तो श्यामा श्याम तो कहां है फिर? गुरुदेव के भाव से मिलान करना होता है। जिस तिथि को गुरु महाराज जो उत्सव मना रहे हैं, अपने को भी वही उत्सव मनाना है, वैसे ही मनाना है। नहीं मना पा रहे तो कम से कम हृदय से तो भावना करनी है। गुरुदेव जिस तिथि पर जिस लीला का चिंतन कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, ऐसे ही अपने को करना है। कीर्तन भी करना है तो जो गुरुदेव की कीर्तन की विधि है, जैसे गुरुदेव कीर्तन करते हैं, कब विनय के पद गाते हैं, कब विरह के पद गाते हैं, कब मिलन के पद गाते हैं, कीर्तन का प्रारंभ कैसे होता है, कीर्तन का विश्राम कैसे होता है, भावना क्या होती है, उत्सव कैसे मनाते हैं, पहले कौन पद गाते हैं, पीछे कौन पद गाते हैं, बीच में कौन पद गाते हैं। यदि गुरु शरणागत होने के बाद भी कभी भी कुछ भी कैसे भी कर लेते हैं तो काहे के हम दीक्षित हैं? केवल कंठी बांधे से काम नहीं चलेगा, केवल तिलक लगाने से बात पूरी नहीं हो जाएगी। माथे पर गुरुदेव के नाम का तिलक लगा लिया, गले में गुरुदेव की प्रदत्त कंठी पहन ली, इसका मतलब ये गला, ये मस्तक गुरुदेव को बेच दिया। अब ये गला गुरुदेव का, ये मस्तक गुरुदेव का, ये हाथ गुरुदेव के, ये पैर गुरुदेव के, ये रोम रोम गुरुदेव का। अब उन्हीं की सेवा भावना के अनुरूप सब कार्य करने हैं। पहले तो चित्तवृत्ति गुरुदेव भगवान से मिलानी होती है। श्यामा श्याम तो बहुत दूर की बात है। अगर गुरुदेव में हमारा भाव का मिलान नहीं होता, आश्रित कहीं है, भावना कुछ करते हैं, जब जी में आता है वो कर लेते हैं, समझने का समय नहीं, समझना चाहते नहीं, अपने अलग अलग गुट बनाए बैठे हैं, अपने अपने अलग अलग गुट में अलग अलग खिचड़ी पका रहे हैं, जब जो मन आ रहा है वो पढ़ रहे हैं, जब जो मन आ रहा है कर रहे हैं, किसने पूछने को मना किया? कोई पूछने वाला तो हो? और गुरुदेव से किसी बात को पूछना चाहेंगे तो अपनी अनुकूलता नहीं, उनकी अनुकूलता देख करके भावना करनी होगी। कभी भी किसी को कहीं साधना मार्ग में दिक्कत आ रही है थोड़ी सी भी, तो आधी रात भी गुरुदेव अगर उसको साधना पक्ष में कहीं कोई तकलीफ आ रही है तो उसको मना नहीं करेंगे। पर गुरुदेव निकट हैं और व्यर्थ की बातें हो रही हैं, इधर उधर की बातें हो रही हैं, संसार की बातें हो रही हैं, तो क्या होगा? गुरुदेव का स्वरूप ही हमारे सामने गोपन हो जाएगा, उनका दिव्य रूप ही कभी प्रकट नहीं होगा हमारे आगे, क्योंकि हमारी चित्त वृत्ति ही उनसे ही तर चलती है। वे पूरब को चलते हैं तो हम पश्चिम को चलते हैं, ना उनकी भावनाओं को समझ पाए, ना उनकी रहनी को समझ पाए। और उल्टा यदि गुरुजनों के क्रियाकलाप में दोष देखते हैं तो समझ ले कि नरक पक्का है। चित्त वृत्ति का मिलान, ये कितनी कितनी सुंदर पंक्ति है, मैं ढूंढ रही हूं। श्री राधाया पदाम्भोरुह परिचरणे योग्यता मेव गेशे, मैं उस योग्यता को खोज रही हूं। ये भावना तो, अरे जिनका ये ग्रंथ है वो कुछ नहीं खोज रहे, वह तो लगे हैं गौर की कृपा से सेवा में। ये तो शब्द हमारे लिए हैं, ये कदा शब्द, ये स्मरण करो शब्द, ये मैं खोज रही हूं सेवा की योग्यता को, ये सब हमारे लिए है। ऐसी योग्यता कैसे आवे? पीछे एक दिन स्मरण किया इस पद को, ऐसी योग्यता कैसे आवे? जान जाऊं सब बात हृदय की, जो जो श्री जी के मन भावे। ऐसी योग्यता कैसे आवे? मैं जान जाऊं सब बात हृदय की, जो जो गुरुजन के मन भावे। कबहू पीछे चली प्यारी के, श्याम सुंदर सो मिलन करावे। कुंज रंध्र अवलोक माधुरी, नैनन में यह छवि बसावे।
बिन बोले सेवा सब करी हो, निकट ही रह सब लाड़ लड़ावे, रस भरी बात सुनू दो उनकी, रस भरी बात दो उनको सुनावे, निबिड़ बिहार केश लट छूटी, ले ले सुमन जु बेणी गुथावे, गौरदास तरपत दिन राती, ऐसो शुभ दिन कबहू दिखावे, मोय ऐसी योग्यता कबहू आवे, बिन बोले सेवा सब करियो, निकट ही रह सब लाड़ लड़ावे, बिन बोले जान जाऊं सब बात हृदय की, जो जो प्यारी के मन भावे, ऐसी योग्यता कैसे आवे, भावना करनी होगी। प्रारंभ से ही लीला दर्शन हो रहा है, आज विहार हो रहा है, लेकिन उस विहार का अवलोकन करते हुए बलिहार बलिहार, सेवक की तो दृष्टि सेवा पर ही है, वो ढूंढ रही है, और जिसकी सेवा में रुचि ना हो ना, भले संसार में देख लीजिए 100 काम पड़े होंगे, 100 सेवा के, वो कहेंगे क्या है करने को, हमें समझ नहीं आ रहा, सेवा देख के चुप निकल लेंगे। और बंधुओं, जिसको सेवा की टेव है वो एक क्षण नहीं खराब करेगा, वो तो पूछेगा मेरे लिए क्या सेवा है, वो सेवा खोज लेगा, पूछ लेगा और सेवा में लग जाएगा। इस शरीर का होगा क्या, ये तो वैसे ही दिन रात गल रहा है, यह शरीर तो मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री बना है, अच्छे अच्छे व्यंजन खाइए, 56 भोग पाइए, अगले दिन सब कुछ मलपुत्र हो जाना है, इस शरीर के एक एक अंग से, पसीने से, मवाद से, आंखों के मैल से, नासिका के हर जगह से मैल और मल ही तो निकल रहा है। भैया देह धरे को यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, इस देह धरे का फल तो श्यामा श्याम की सेवा है, और वह श्यामा श्याम की प्रेममयी सेवा गुरुदेव के अनुगत्य में भावना और भजन करने से प्राप्त होगी। इसलिए आचार्य 173 श्लोक में ऐसी दिव्य बात कह रहे हैं, मैं सेवा को ढूंढ रही हूं योग्यता को। और अब 174 श्लोक में आचार्य कह रहे हैं, विच्छेदाभास मात्रादह निमिषतो गात्र विस्रंसनादौ दीपयत कल्पाग्निकोटि ज्वलितमिव भवेत् बाह्यं भयंतरं च गाढ़स्नेहानुबन्ध ग्रथितमिव ययोरद्भुत प्रेममुरतयोः श्रीराधा माधवाख्यं परमीह मधुरं तदद्वयं धाम जाने। अहो, जिन अद्भुत प्रेम की मूर्तियों के बाहरी और भीतरी भाग निमेश काल की अंग शिथिलता आदि के कारण परस्पर विच्छेद के आभास मात्र से दहकती हुई कोटि कोटि प्रलय काल की अग्नि ज्वाला जैसे अनुभव करते हैं, प्रगाढ़ स्नेह की श्रृंखला में मानो बंधे हुए उन श्री राधा माधव नाम वाले समुधुर ज्योति युगल को श्री वृंदावन में सर्वोत्तम रूप में मैं जानती हूं। प्रगाढ़ स्नेह की श्रृंखला में मानो बंधे हुए उन श्री राधा माधव नाम वाले सुमधुर ज्योति युगल को श्री वृंदावन में सर्वोत्तम रूप में जानती हूं। विहार का अनुभव हो रहा है, सेवा की लगन लगी है, सेवा संपादित हो रही है, सेवा खोजी जा रही है, क्या करके प्रिया प्रियतम को सुख प्राप्त हो ये चेष्टा हो रही है,
उस प्रयास में, उस भावना में, उस चिंतन में प्रिया प्रियतम का परस्पर स्वरूप जागृत हो रहा है। वह दोनों प्रेम की मूर्ति, ययोर अद्भुत प्रेम मूर्तयो, वह अद्भुत दो प्रेम की मूर्ति जो एक निमेश काल के लिए भी, एक क्षण के हजारवें करोड़वें हिस्से के बराबर भी, यदि उनको विरह नहीं, विरह का आभास भी होता है तो वो कोटि कोटि प्रलय काल की अग्नि का ज्वाला का सा अनुभव करते हैं। ऐसे प्रगाढ़ प्रेम की डोरी में जो बंधे हैं प्रिया प्रियतम, प्रगाढ़ स्नेह की श्रृंखला में बंधे हुए राधा माधव, मैं उनको श्री वृंदावन में सर्वोत्कृष्ट रूप में, सर्वोत्तम रूप में अनुभव कर रही हूं। बलिहार बलिहार जो कभी अलग नहीं है। हमने पूर्व में भी एक बार निवेदन किया, एक क्षण के करोड़ में हिस्से को भी श्यामा श्याम अलग नहीं है। अब कोई कहे कि अलग नहीं है तो ब्रजलीला में अनेक जगह दिखाई देते हैं प्रभु, अकेले दिखाई देते हैं, गोचारण लीला में अकेले हैं, श्री जी भी जब वृषभानु भवन में हैं, बरसाने में हैं, तो अकेली हैं, या ब्रज से बाहर की लीला को भी स्वीकार करें तो मथुरा लीला में तो श्री जी नहीं है, द्वारिका लीला में तो श्री जी नहीं है, और आचार्य कह रहे हैं कि एक क्षण के लिए भी दोनों अलग नहीं होते, तो अकेले को देखकर हमने ये कैसे मान लिया कि श्यामा श्याम अकेले हैं? हमने क्या उनको साधारण नायक नायिका माना हुआ है? जो लोग कहते हैं हम श्री जी को अहलादिनी शक्ति स्वीकार नहीं करते, अहलादिनी शक्ति स्वीकार करने पर हमारी अनन्यता में फर्क पड़ जाता है, निकुंजपने में फर्क पड़ जाता है, तो उनसे पूछना चाहिए कि आप आलादनी शक्ति श्री जी को स्वीकार नहीं करते तो क्या श्री जी को साधारण नायिका मानते हैं आप? माधुर्य का भवन तो ऐश्वर्य के धरातल पर खड़ा होता है, तो इसका मतलब आप श्याम सुंदर को भगवान भी नहीं मानते होंगे, या श्री जी को आलादनी शक्ति नहीं मानते, तो मतलब साधारण नायक और नायिका मान रहे हैं। साधारण नायक नायिका मान करके वह विहार का अनुभव कितना कल्याणप्रद होगा। माधुर्य में भी ऐश्वर्य रहता है, पर वो ऐश्वर्य माधुर्यानुशासित होता है, और ऐश्वर्य में भी माधुर्य रहता है, पर वो माधुर्य ऐश्वर्यानुशासित होता है। भले गोपियां श्याम सुंदर के प्रेम में विभोर हैं, लेकिन वही गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, नकुल गोपी का नंदनो भवा नखिल दे नाम मंत्र रात में दिख। हे श्याम सुंदर, ये न जानना कि हम आपको केवल नंद जी का लाला मानते हैं, हमको पता है आप कौन हो, आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना से यदुवंशियों का कल्याण करने के लिए जगत में प्रकट हुए हो, केवल यशोदा के लाला नहीं हो, सब जीवात्माओं के भीतर बैठे आत्मा परमात्मा सब कुछ आप ही हो, लेकिन हमारा मन तो आपकी मधुर उस मुरलीधर छवि पर अटका है। श्याम सुंदर हमको भटकाओ मत, प्रकट होकर के हमको सुख प्रदान करो। प्रियजनों, तो प्रिया प्रियतम कभी भी दूर नहीं है। तो जिन लीलाओं में अकेले दिखाई पड़े तो एक भक्त को, एक वैष्णव को, एक साधक को, रसिक को क्या सोचना है। अगर श्याम सुंदर को अकेले देखे, इस समय श्री जी श्याम सुंदर के हृदय में विराजमान, मिलन हो रहा है वहीं। कहीं श्याम सुंदर प्रिया जी को अकेले देखो तो यही मानना है यहां पर भी श्याम सुंदर है, लेकिन इस समय प्रिया जी के हृदय में छिपे हुए हैं, हृदय बिहारी रूप में है। तभी तो जब उद्धव जी समझाने आए गोपिकाओं को, श्री जी के पास पहुंचे, तो पहले तो विरह वाले ब्रज का दर्शन हुआ और फिर श्री जी की कृपा से संयोग वाले ब्रज का अनुभव हुआ। यत्र तत्र सर्वत्र श्याम सुंदर का अनुभव हुआ, श्री जी के एकदम निकट श्याम सुंदर का अनुभव हुआ। तो वह श्यामा श्याम जो एक निमिष काल के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते, दूर होने का आभास उनको करोड़ करोड़ ज्वालाओं के समान ताप देता है, वह श्यामा श्याम इस श्री वृंदावन में विराज रहे हैं। भगवत रसिक जी की बड़ी सुंदर कुंडली है, जहां कृष्ण
राधा तहां, जहां राधा तहां कृष्ण। भगवत रसिक जी की कुंडली है, पद है, जहां कृष्ण राधा तहां, जहां राधा तहां कृष्ण, न्यारे निमिष न होत दो, समुझ करो यह प्रश्न, गौर हरी समुझ करो यह प्रश्न, समुझ करो यह प्रश्न, दो घन दामिनी जैसे, सहज सुभाई सुतंत्र निरंतर बिहरत तैसे, भगवत रसिक अनन्य बिना को जात नहीं तहां, दंपति संपति सहित मदन रस रंग भरे जहां, दंपति संपति सहित मदन रस रंग भरे जहां, जहां कृष्ण राधा तहां, जहां राधा तहां कृष्ण, न्यारे निमिष न होत दो, समुझ करो यह प्रश्न। श्री राधा माधवाख्यम परम मीह मधुरम तद्द्वयम् धाम जाने, वह प्रिया प्रियतम निरंतर निरंतर एक होकर के गर्भैया दे करके श्रीधाम वृंदावन में विराज रहे हैं, हे मेरे मन उनका दर्शन कर। और अब 175 श्लोक में, कदा रत्युन्मुक्तम कच भरमहं संयमयिता, कदा वा संधास्ये त्रुटित नवमुक्तावलीमपि, कदा वा कस्तुर्यास् तिलकमपि भूयो रचयिता, निकुञ्जान्तरवृत्ते नवरतिरणे यौवतमणे। बलिहार, निकुंज के भीतर अभिनव रति युद्ध के समाप्त होने पर कब मैं युवती शिरोमणि श्री राधा की रति के समय खुल गई केश राशि को भली प्रकार बांध दूंगी, और कब टूटी हुई नवीन मोतियों की माला को भी गूंथ दूंगी, और कब मैं कस्तूरी के तिलक को भी पुनः रच दूंगी। बलिहार, आचार्य के अनुगत्य में बढ़ते रहिए आगे, हमारे भीतर योग्यता ना हो पर बंधुओं इन वाणियों में बड़ा बल है, इन दिव्य ग्रंथों में बड़ा बल है, षड गोस्वामी पाद की कृपा में बड़ा बल है, निताई गौरांग की कृपा में बहुत बल है, जो नीच अधम पापी पतित जानती नहीं। ओहो कैसा स्फुरण लीला का हो रहा है। पूर्व श्लोक में मिलन की भावना, वह प्रिया प्रियतम विराज रहे हैं, और 175 श्लोक में तो दिव्य विलास हो भी गया, संपन्न भी हो गया, और अब दिव्य विलास की पूर्णाहूति पर प्रिया जी के जो केश खुले हैं, किंकरी स्वरूप से श्रीपाद उन केशों को बांध रहे हैं, मंजरी स्वरूप से प्रिया जी की जो माला टूट गई है, उस माला को, मोतियों की माला को पिरो करके पुनः प्रिया जी के कंठ में धरा रहे हैं, और
क्रीड़ा के समय जो तिलक अस्त व्यस्त हो गए हैं, पुनः पुनः प्रिया जी के भाल पर उन कस्तूरी तिलक की रचना हो रही है। और बलिहार ये है कि सेवा कर रहे हैं और कदा 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 कह रहे हैं, बार बार कदा कह रहे हैं। यही तो करुणा है, यही आचार्य की हम जीवों के प्रति करुणा है, यही तो गौर की करुणा है, यही आचार्य श्रीपाद की करुणा है, जो सेवा संपादित भी कर रहे हैं और उस सेवा को मैं कब करूंगी ऐसा भी कह रहे हैं। और हम बार बार पूरे विश्वास से ये बात कह रहे हैं, ये कदा शब्द हम साधकों के लिए है। आचार्य तो सरस में निरंतर डूबे हैं, वह साधक वेश में भी आते हैं यदि स्वरूप आवेश को छोड़ के, तो हमारे लिए आते हैं। जैसे गुरुदेव भी अगर डांटते हैं, फटकारते हैं, समझाते हैं, संसारिक आचरण करते दिखाई देते हैं, तो एक शिष्य को ये समझना होता है, मेरे गुरु महाराज मुझको संभालने के लिए, मुझ पर ध्यान रखने के लिए, मुझ पर कृपा करने के लिए अपने लीला राज्य से बाहर आकर के मुझको उपदेश प्रदान करते हैं, मुझको समझाते हैं, स्वयं लीला राज्य से बाहर आकर के। यही आचार्यों की स्थिति है, मैं ऐसा कब करूँगी। हे प्रिया जी, आपकी खुले केशों को मैं सुंदर चोटी के रूप में कब गूंथूंगी, आपकी टूटी हुई माला को मोतियों को पिरोकर पुनः गले में कब धारण कराऊंगी, उन रति चिन्हों को कैसे मैं केसर कस्तूरी से छिपा दूंगी, कैसे आपके भाल पर फिर स्वस्थ तिलक की रचना कर दूंगी। भावना की और परिणाम यह हुआ कि पुनः लीला का प्रकाश हो रहा है। 176 श्लोक में किम ब्रूमो नयत्र कुंठी कृतक जनपदे धाम नयपि श्री विकुंठे राधा माधुर्यवित्ता मधुपतिरथ तन्माधुरिं वेत्ति राधा वृंदारण्य स्थलीयं परम रस सुधा माधुरीणां धुरीणां तद्द्वंद्वं स्वादनीयं सकलमपि ददौ राधिका किंकरीणा। दूसरे स्थानों के विषय में क्या कहा जाए, श्री वैकुंठ धाम को भी जिसने संकुचित कर दिया, उस इस भौम श्री वृंदावन में श्याम सुंदर श्री राधा के माधुर्य वेत्ता हैं, इसी प्रकार श्री राधा ही श्याम सुंदर की माधुरी को जानती हैं, परमरस सुधा की समस्त माधुरी को धारण करने वाली इस श्री वृंदावन स्थली ने तो श्री राधा किंकरी वृंद को उन श्री राधा कृष्ण के आस्वादनीय माधुर्य सहित सेवानंदादि सब कुछ प्रदान कर दिए हैं। धन्य है यह श्री वृंदावन की स्थली। धाम का प्रकाश, धाम का ममत्व, धाम की महिमा हृदय में प्रकाशित हो रही है। धन्य है यह श्री वृंदावन जिस धाम के आगे दिव्य दिव्य ऐश्वर्य के धाम वैकुंठ आदि भी संकुचित हो रहे हैं। और उस श्री धाम में श्याम सुंदर तो प्रिया जी के माधुर्य वेत्ता हैं, माने माधुर्य को जानने वाले हैं, और प्रिया जी श्याम सुंदर की माधुर्य वेत्ता हैं, माधुर्य को जानने वाली हैं। वे दोनों तो एक एक के परस्पर के माधुर्य को जानने वाले हैं, लेकिन परम रस सुधा की समस्त माधुरी को धारण करने वाले श्री वृंदावन धाम तो दोनों की माधुरी को जानने वाले हैं। और इस श्री धाम ने जिस धाम में जोरी खेल रही है राधा किंकरी वृंद को प्रिया प्रियतम का हुआ दिव्य सेवानंद प्रदान कर दिया है, जिस धाम में जोरी का विलास हो रहा है,
किंकरी वृंद सेवा को प्राप्त कर रही हैं, श्री वृंदावन धन्य है और प्रिया प्रियतम का परस्पर का प्रेम धन्य है। बंधुओं, इस भाव को हमारे जीव गोस्वामी जी युगलाष्टक में गाते हैं, छह गोसाइयों में सबसे छोटे श्री जीव गोस्वामी पाद क्या कहते हैं। कृष्ण प्रेम मई राधा, राधा प्रेम मय हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणा हरि। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण द्रवमयी राधा, राधा द्रीवमय हरि। कृष्ण ग्रह इच्छिता राधा, राधा ग्रह इच्छित हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण चित्तस्थिता राधा, राधा चित्तस्थितौ हरि। नीलांबर धरा राधा, पीतांबर धरो हरि। वृंदावनेश्वरी राधा, कृष्ण वृंदा वनेश्वर। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम। राधा कृष्णौ गतिर्मम। बलिहार, धन्य है आचार्यों की भावनाओं को। वह प्रिया प्रियतम एक दूसरे के प्राणों में विराजते हुए इस श्री वृंदावन को धन्य कर रहे हैं। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णौ गतिर्मम। जीव गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे जीवन निधन की गति मेरे प्राण वल्लभ श्री राधा माधव हैं। अब आगे 177 श्लोक में अब देखिए श्री वृंदावन की भावना की, श्री वृंदावन की जय जयकार की। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रास रस न प्रकट हो? ये रास तो वृंदावन की संपत्ति है ना। तो देखिए 177 श्लोक में आचार्य क्या कह रहे हैं, एकदम क्रम जुड़ा है लीला का। परस्पर श्लोक स्वतंत्र भी हैं और यदि परस्पर तारतम्य देखा जाए तो परस्पर तारतम्य भी है। लसत वदन पंकजा नव गभीर नाभि भ्रमा, नितंब पुलिनोल लसन मुखर, कांची कादंबिनी विशुद्ध रसवाहिनी, रसिक सिंधु संगोन्मदा सदा सुर तरंगणी, जयति कापि वृंदावने
जयति कापि वृंदावने। जिनका मनोहर मुखमंडल स्वर्ण कमल सदृश है, अभिनव गंभीर नाभि ही आवर्त है, नितंब ही पुलिन है, जिनमें रुंझुन करने वाली करदनी ही राजहंसिनी है, जो विशुद्ध रसधारा वाहिनी है, रसिक शेखर श्री कृष्ण रूप सागर के साथ संगम के लिए उन्मादिनी है, ऐसी कोई अनिर्वचनीय श्री राधा, देव नदी गंगा अथवा सुरत तरिंगिणी श्री वृंदावन में सदा उत्कर्ष के साथ विराजती रही है। बलिहार, यह उपमा पहले भी दे चुके हैं। प्रिया जी मानो प्रेम की गंगा है, जिस प्रेम की गंगा में प्रिया जी का मुख स्वर्ण कमल है, नाभि आवर्त है, नितंब पुलिन है, प्रिया जी के चरणों की करधनी जो रुंझुन रुंझुन कर रही है वो मानो राजहंसिनी है, विशुद्ध रसधारा वाहिनी है, और जैसे गंगा जी गंगोत्री से उफान मारकर गंगा सागर में मिलने के लिए प्रवाहित होती हैं, ऐसे ही प्रिया जी मानो प्रेम की गंगा हैं, और वह प्रेम की गंगा श्री वृंदावन में प्रवाहित हो रही है। तो अनुमान करना होगा, समझना होगा कि भागीरथी गंगा तो गंगा सागर के लिए प्रवाहित हैं, और हमारी प्रिया जी रूप प्रेम गंगा श्याम सिंधु में समाने के लिए ललायित हैं। तो अर्थ करना होगा कि प्रिया जी दिव्य श्रृंगार धारण करके सखी मंजरियों के बीच विराजमान होकर के अभिसार के निमित्त, रास के निमित्त, श्याम सुंदर मिलन के निमित्त रास मंडल की ओर पधार रही हैं। बलिहार, इस झांकी का अनुभव करिए। स्वामिनी जी के पीछे पीछे रूप मंजरी जी हैं, रूप मंजरी जी के पीछे पीछे गुरु मंजरी हैं, और गुरु मंजरी के पीछे पीछे हम साधक मंजरी श्री स्वामिनी जी के पीछे पीछे गुरुजन के अनुगत्य में चल रही हैं। कहाँ, जहाँ ये प्रेम की नदी जिस सागर में समाना चाहती है। कब हूँ चलूंगी पीछे तिहारे, कब हूँ चलूंगी पीछे तिहारे, श्याम सुंदर वंशी में पुकारे, रास रचो यमुना के किनारे, वेणु बजाए बुलावत प्यारे, श्री राधा तन सुभग सिंगारे, भूषण बसन विविध विधि धारे, चल मन चल मन चलिए ताहारे, जहाँ रास रस बरस रहा रे, गौरदास बलि 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 हारे, गौरदास बलि 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 हारे, गुरु सखी संग निकुंज पधारे, गुरु सखी संग निकुंज पधारे, श्री राधा तन सुभग सिंगारे, भूषण बसन विविध विधि धारे, चल मन चल मन चलिए ताहारे, जहाँ रास रस बरस रहा रे। रास की भावना है प्रिया जी, वेगवती गंगा के समान श्याम सिंधु में समाने के लिए प्रवाहित हो रही हैं,
और देखिए अब 178 श्लोक में तो मानो प्रेम की गंगा श्याम सिंधु में समा गई। अनंग नवरंगिणी रस तरंगणी संगता दधत सुख सुधामये स्वतनु नीरधौ राधिका अहो मधुपकाकली मधुर माधवी मंडपे इस्मर शुभित मेधते सुरत सीधु मतम्मह। अहो अभिनव अनंग विलासिनी रसमय नदी स्वरूपा श्री राधा जब भवरों से गुंजारित मधुर माधवी लताओं के मंडप में पहुंची तो अनंग रस से आंदोलित एवं सुरत मदिरा से उन्मत्त ज्योतिर्मय श्याम सुंदर ने उसे सुख सुधा में अपने देह रूप समुद्र में धारण कर वृद्धि को प्राप्त किया। बलियार गंगा चली 177 श्लोक से और देखिए आचार्य का चमत्कार 178 श्लोक में। अरे गंगा जी गंगोत्री से चलती हैं, गंगा सागर में समाने को बहुत समय लगता है, पर यहाँ तो गंगा भी चिन्मय है और गंगा सागर भी चिन्मय है। प्रेम की गंगा राधिका है और जिस सागर में राधिका रूप गंगा को समाना है वह श्याम सुंदर है। तो आहा कितना अद्भुत वर्णन है। ओहो वह प्रेम की गंगा श्याम सागर में श्याम सुंदर ने उन प्रिया जी को अपने देह रूपी समुद्र में धारण कर वृद्धि को प्राप्त किया। माने प्रिया प्रियतम का दिव्य मिलन संवादित हो रहा है। मिलत निकुंजन, अब गाइए तो मिलत निकुंजन प्यारे प्यारी रस के सिंधु उफन रहे हैं को कहूँ हल को कहूँ भारी। मिलत निकुंजन प्यारे प्यारी मिलन माधुरी कुंज रंध्र सौ लखत विभोर गुरु सखी सारी नित्य विहार अखंड एक रस नित्य विहार अखंड एक रस जहाँ नहीं मल मैथुन संसारी। बाहु परस पर जोर आलिंगत नख छत प्रगट उरोज महारी। मिले रहे रस झीले रहे मिले रहे रस झीले रहे दो खिले रहे फूले फुलवारी। खिले रहे फूले फुलवारी गौरदास मोरे प्राण जीवन धन गौरदास मोरे प्राण जीवन धन बार बार जाऊं बलिहारी बार बार जाऊं बलिहारी। मिलत निकुंजन प्यारे प्यारी मिलत निकुंजन
प्यारे प्यारी रस के सिंधु उफन रहे हैं। अब को कहूँ हलको को कहूँ भारी मिलत निकुंज प्यारे प्यारी बलिहार। दिव्य निकुंज मंदिर में मिलन हो रहा है और वह मिलन कैसा है, 179 श्लोक में आचार्य वर्णन कर रहे हैं। रोमाली मिहिरात्मजा सुललिते बंधु क बंधु प्रभा सर्वांगे स्फुट चंपक छवि रहो नाभि सरह शोभना वक्षोजस तबका लसद भुजलता शिंजा पत झनकृतीह श्री राधा हरते मनो मधुपते रण्येव वृंदाटवी। जिनके श्री विग्रह की रोमावली मानो यमुना है, जिनके सुललित अधरोष्ट में बंधुक वृक्ष के बंधु पुष्पों की लाल कांति है, जिनके संपूर्ण अंग में प्रफुल्ल चंपक पुष्पों की पीली आभा है, जिनकी नाभि ही मनोहर सरोवर है, जिनके उरोज युगल ही मानो पुष्पों के गुच्छे हैं, जिनकी भुजाएं लतावत शोभित हो रही हैं, भूषणों की झनकार मानो भवनों की गुंजार है, अहो ऐसी श्री राधिका श्री वृंदावन स्थली की भांति श्री कृष्ण के मन का हरण कर रही है। विहार हो गया पुरुष लोक में। और अब देखिए प्रिया जी के मन की तो जाने किंकरी, श्याम सुंदर के मन की भी जाने। प्रिया जी का कौन कौन आभूषण, प्रिया जी की कौन कौन अंग कांति, प्रिया जी का कौन कौन श्रीअंग सौंदर्य प्रियतम को कैसे कैसे लुभायमान कर रहा है, उसका वर्णन भी कर रही हैं। कह रही श्याम सुंदर का मन प्रिया जी के श्रीअंग पर मोहित है। श्याम सुंदर को क्या अनुभव हो रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे प्रिया जी की रोमावली तो यमुना जी हो, प्रिया जी के लाल लाल अधर तो बंधु पुष्पों की लाल कांति के समान हो। अरे प्रिया जी के संपूर्ण अंग में तो मानो चंपक पुष्पों की पीली शोभा हो। अरे प्रिया जी की नाभि मानो गहरा सरोवर हो। प्रिया जी का उरोज मंडल मानो पुष्प के गुच्छे हो। प्रिया जी की भुजाएं मानो लतावत हो। अरे प्रिया जी के नूपुरों की भूषणों की झनकार मानो इस वन में भ्रमर की गुंजार हो। ऐसे जैसे वृंदावन श्याम सुंदर के मन का हरण करता है, ऐसे आज श्री राधा रूप वन। देखिए रसिकों का श्री वृंदावन में तन में वन का भाव, वन में तन का भाव। कभी तो तन में वन की उपमा दे करके रस का अनुभव है और कभी वन में तन की उपमा दे करके शोभा का अनुभव है। जैसे वृंदावन की माधुरी श्याम सुंदर के मन को हरण करे, ऐसे आज मानो श्री वृंदावन की शोभा प्रिया जी के श्रीअंग में उतर आई है। तो जैसे वृंदावन श्याम सुंदर के मन को हरण करे, ऐसे आज प्रिया जी के तन में वन की शोभा का अनुभव कर रहे हैं। और प्रिया जी के तन में वन की शोभा को देखते भए और वन में तन की शोभा को देखते हुए श्याम सुंदर का मन मोहित हो रहा है। श्री राधा हरते मनो, श्री राधा हरते मनो मधुपते रण्येव वृंदाटवी। वृंदावन की भांति वृंदावन लीला स्थली की भांति श्याम सुंदर के मन का हरण हो रहा है। लालन तेरे यादीन, विट्ठल विपुल जी का पद है, स्वामी हरिदास जी के शिष्य।
लालन तेरे आधीन। सखी कह रही श्री जी को, सुनरी सखी हो साँच कहत हो, तुव जल है ये मीन, तुमरे रस बस श्याम सुंदर वर, जाचत है ज्यो दीन। श्री विठल विपुल विनोद बिहारी, होत मनावत लीन, लालन तेरे आधी, लाल करत तेरे गुण गाने, जो न पत्याहु सपत नहीं मानत, चल सुन अपने काने। सखी आशीष जी को कह रही हैं, जो तुम श्याम हो वे श्यामा, तो यह वेदन जाने। श्री विठल विपुल विनोद बिहारी, सो बाद रूसनो ठाने, लाल करत तेरे गुण गाने, लाल करत तेरे गुण गाने। ए प्रिया जी, लालन तेरे ही आधीन, सुनरी सखी हो साँच कहतो, तुम जल हो वह मीन, लालन तेरे ही आधीन। उन श्याम सुंदर के मन को हमारी लाडली राधा ने हरण कर लिया है। और बंधुओं, अब 180 श्लोक में आचार्य कह रहे हैं, राधा माधव योर विचित्र सुरतारंबे निकुंजोदरे, स्रस्त प्रस्तर संग तैर वपुर लंकुर वई, अंगरागैह कदा तत्रैव त्रुटिताः, स्रजो निपतिताः संधाय भूयः कदा, कंठे धारयितास्मि मार्जन कृते, प्रातः प्रविष्टास्म्यहम्। ऐसा कब होगा जब मैं प्रभात के समय निकुंज को भीतर से स्वच्छ करने के लिए प्रवेश करूंगी और श्री राधा माधव के अद्भुत सूरत पीड़ा के आरंभ में स्खलित हो गई, पल्लव पुष्प आदि द्वारा रचित शैया में लगे हुए अंग राग समूह के द्वारा अपने शरीर को विभूषित करूंगी और वहीं पर टूटकर गिरी हुई पुष्प मालाओं को पुनः गूंथकर अपने कंठ में धारण करूंगी। हे स्वामिनी जी, ऐसा कब होगा? आह, बलिहार बलिहार बलिहार। आज प्रारंभ भी यहीं से हुआ, मंगला की झांकी से प्रारंभ हुआ ना, 171 श्लोक में भावना की कैसे बुहारी लगानी है, और बलिहार विश्राम भी यहीं पर हो रहा है। 180 श्लोक की भावना क्या है? किंकरी स्वरूप से आचार्य शिपाद भावना कर रहे हैं, ऐसा कब होगा जब मैं भोर काल में प्रभात के समय श्री निकुंज मंदिर में सोहिनी सेवा करने के लिए भीतर प्रवेश करूंगी और उस समय श्यामा श्याम के मिलन के समय उनकी शैया के आसपास उनके अंग राख से सुगंधित पुष्प बिखरे हुए मुझे मिलेंगे और उन श्याम सुंदर के अंग राग के कणों को प्रिया प्रियतम की उस मिलन केली के समय जो दिव्य अंग राग उनके शरीर से चित हो करके कुंजों में बिखरा होगा, उस अंग राग को उठा उठा करके मैं कब अपने मस्तक से अपने शरीर से लगाऊंगी और कब प्रिया प्रियतम के श्री अंग की वह प्रसादी माला जो बिखरी होंगी कुंज में, उन सबको बहुत सावधानी से उठा करके डोरा में पिरोकर अपने कंठ में पहन लूंगी, मस्तक पर धारण कर लूंगी। ऐसा कब होगा जब प्रिया प्रियतम के उस दिव्य शैया कुंज में, उस शयन कुंज में सवेरे बुहारी की
सेवा के लिए गुरु मंजरी की आज्ञा से जाऊंगी और वहां मुझे प्रिया जी के श्री अंग के द्वारा मर्दित पुष्प बिखरे मिलेंगे, माला बिखरी मिलेंगी, अंगराग बिखरा मिलेगा और मैं अत्यंत प्रफुल्लित होकर उनको माथे से लगाऊंगी। महल राधिका का बुहारा करेंगे, राधा श्री राधा पुकारा करेंगे। एक दिन किशोरी जी करुणा करेंगी, तभी उन पे सर्वस निसारा करेंगे। आएंगी एक दिन ओ प्यारे के संग में, नयन भर के झांकी निहारा करेंगे। महल राधिका का बुहारा करेंगे, राधा श्री राधा पुकारा करेंगे। ये भावना है बंधुओं, यह भावना है। श्यामानंद प्रभु जी का चरित्र सब सुनते हैं। बंगाल में जिनका पूर्व का नाम दुखी कृष्णदास था, श्री गौरीदास पंडित जी की परंपरा में श्री हृदय चैतन्य ठाकुर जी के जो शिष्य थे, गुरु महाराज की सेवा किए, ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की, गुरु महाराज के हृदय को जीत लिया और प्रसन्न होकर के उनके गुरुदेव ने उनको श्री वृंदावन भेज दिया। वृंदावन में गुरुदेव की आज्ञा से जीव गोस्वामी के अनुगत्य में भजन किया और जीव गोस्वामी जी ने उनको आज्ञा दी सेवा कुंज में बुहारी लगाने की। बंधुओं, आज भी श्याम सुंदर मंदिर के निकट वह नूपुर प्राप्ति स्थल है जहां जीव गोस्वामी जी की आज्ञा से बुहारी लगाते 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 एक दिन स्वामिनी की कृपा से स्वामिनी के चरण का नूपुर उनको प्राप्त हुआ था। कथा आप सब जानते हैं कैसे नूपुर प्राप्त हुआ था और कैसे फिर ललिता जी नूपुर ढूंढने आई थी, नहीं दिया था, और कैसे फिर श्री जी पधारी थी और श्री जी ने कैसे उस नूपुर को लेकर के मस्तक पर छाप लगा दी थी। वह दुखी कृष्णदास श्यामानंद हो गए थे और बंधुओं तब श्री जी ने श्याम सुंदर जी का विग्रह भी श्यामानंद प्रभु को प्रदान किया था, जो आज तक श्याम सुंदर जी के मंदिर में सेवित हैं लाला लाली के रूप में। आहा, यह कृपा कब मिली थी उनको? जब जीव गोस्वामी जी शर गोस्वामी पाद के अनुगत्य में गुरु कृपा से, गुरु आज्ञा से निकुंज मंदिर में मार्जन की सेवा की थी, बुहारी की सेवा की थी। यहां तो आचार्य श्रीपाद खुले पुष्प पुष्पमाला अंगराग की बात कर रहे हैं, अरे हमारे श्यामानंद प्रभु को तो हीरे का नूपुर मिल गया था। और प्रिया जी के उस चरण के नूपुर से फिर प्रिया जी के चरण मिल गए थे, फिर प्रिया प्रियतम का साक्षात्कार हो गया था, उनको राधा श्याम सुंदर मिल गए थे। आज भी वृंदावन में श्यामानंद प्रभु की भजन की गुफा है, श्याम सुंदर मंदिर में जहां श्यामानंद प्रभु जी ने भजन किया, आज भी वह नूपुर प्राप्ति स्थल है। बंधुओं, तो जो हमारे आचार्यों ने किया, जो मार्ग हमारे शर गोस्वामी पाद ने हमको बताया है गौर कृपा से, उसी मार्ग पर चलना है। नाम जप तो करना है, एकादशी व्रत तो करना है, समस्त नियम का पालन करना है। जो भी वैष्णव आचार हैं, आजकल के आधुनिक रसिकों की तरह हम ये नहीं करते, हम ये नहीं करते, इस बात से अनन्यता को खतरा, उस बात से अनन्यता को खतरा, इन नकली बातों में नहीं पड़ना है। सब वैष्णवोचित नियम का पालन करते हुए भावना के राज्य में उतरना है। ये सब साधन इसीलिए हैं हमारा अंतःकरण पावन हो और पवित्र अंतःकरण से गुरु आनुगत्य में हम निकुंज मंदिर की भावना करने योग्य हो। और बंधुओं, जब भी निकुंज मंदिर की भावना का प्रारंभ होगा, जब भी
गुरुदेव कृपा करके सिद्ध प्रणाली का प्रदान करेंगे। जब भी राधा दास भाव का परिचय होगा तो जैसे भजन का प्रारंभ नाम जप से होता है ना, ऐसे ही प्रिया प्रियतम की मानसी सेवा का प्रारंभ, निकुंज लीला के आस्वादन का प्रारंभ मानिए निकुंज मंदिर में बुहारी लगाने से होता है। निकुंज मंदिर को स्वच्छ करना है। फिर कहेंगे वो नित्य धाम तो नित्य स्वच्छ, वहां कौन कूड़ा? उस नित्य धाम में कोई गंदगी है क्या? फिर किस चीज को स्वच्छ करने के लिए कह रहे? बंधुओं भावना है, वैष्णव का साधक का मन ही वृंदावन है। प्रियजनों, वैष्णव साधक का हृदय वृंदावन है, उस हृदय वृंदावन को नाम की बुहारी लगा करके उस हृदय वृंदावन को गुरु आनुगत्य में अपने चिंतन की बुहारी से अपने हृदय वृंदावन को स्वच्छ करना है, अपने हृदय वृंदावन को सजाना है। और जब हृदय वृंदावन स्वच्छ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, तब गुरुदेव कृपा करके इस स्वच्छ हृदय में, इस मन रूप वृंदावन में राधा माधव को विराजमान कर देंगे। तो उस दिव्य निकुंज मंदिर में आहा, कंठे धारयितास्मि मार्जन कृते प्रातः प्रविष्टास्मि हम। आहा, मैं कब श्री निकुंज मंदिर में मार्जनी की सेवा के लिए, सोहिनी सेवा के लिए प्रविष्ट होंगी। तो बंधुओं, इसी भावना के साथ, प्रातःकाल की भावना के साथ, मंगला की भावना के साथ अपने चित्त को निकुंज रस में डुबाना है, सोहिनी लगानी है, अपने चित्त को लीला रस में निमग्न रखना है। इसी भावना के साथ आज 20 दिन हो रहे हैं, पता भी नहीं पड़ा, अभी और 11 दिन शेष हैं, श्लोक भी अनेक शेष हैं। यथासंभव गुरुजन के अनुगत्य में दिव्य राधा रस सुधा निधि जी का अनुशीलन कर रहे हैं। कल पुनः आगे 181 श्लोक से आगे की यात्रा पर चलेंगे। अभी आप सब प्रिय वैष्णव जनों को प्रणाम करते हुए प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बो। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहां विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्ट प्रहर
हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।